ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की सैकड़ों साल की परंपरा कोरोना संकट में भी जारी रहेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दे दी है। इसी के साथ मंगलवार को रथ यात्रा निकलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि पुरी की रथ यात्रा को आम लोगों की भागीदारी के बिना आयोजित किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा सरकार ने भी कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के मत का समर्थन किया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बरकरार है। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर कोर कमांडर स्तरीय बैठक हुई। चीन क्षेत्र के मोल्डो में दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई। बैठक में दोनों देश के अधिकारी सीमा पर जारी तनाव को कम करने और गलवान घाटी पर हुई घटना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। हालांकि इस दौरान चीन की सेना ने स्वीकार किया कि उनका कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा गया था। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी बरकरार है। स्थिति की गंभीरता बनी हुई है और ऐसे में इसी हफ्ते सेना प्रमुख MM नरवाणे लद्दाख जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख का ये दौरा इसी हफ्ते होगा, जिसमें वो लद्दाख की मौजूदा स्थिति, ग्राउंड के हालात की जानकारी लेंगे, साथ ही ग्राउंड कमांडर से चर्चा करेंगे। लद्दाख में पिछले एक महीने में तनाव बरकरार है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सेना प्रमुख का लद्दाख जाना वहां मौजूद सैनिकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला होगा। कांग्रेस चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब मनमोहन सिंह ने लिखित बयान के जरिए पीएम मोदी को न सिर्फ नसीहत दी है, बल्कि चेतावनी देते हुए एक्शन की अपील भी की है। मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के फैसले और सरकार की ओर से उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा, सामरिक और भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। चीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताते हुए कहा कि वो उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सरेंडर कर दी गई। जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कई ट्वीट किए हैं। मनमोहन सिंह ने अपने लिखित बयान में चीन के विवाद पर पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि झूठ के आबंडर से सच छुपाया नहीं जा सकता। नड्डा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल किए हैं और उन्हें डिमोरलाइज किया है। चीन से तनाव पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा और जमीन छीन ली। इतने टकराव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चीन क्यों कर रहा है? राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ट्वीट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए, मैं आशा करता हूँ कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। एलएसी पर 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश में चीन के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और चीन का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस बीच जयपुर में व्यापारियों ने फैसला किया कि अब हर दुकान में चाइनीज सामान के बहिष्कार करने का बैनर पोस्टर लगाया जाएगा। जयपुर व्यापार मंडल ने जयपुर में राजा पार्क में 15,000 पोस्टर दुकानों में लगाकर इसकी शुरुआत की। जयपुर व्यापार मंडल ने ये भी फैसला किया है कि अब किसी भी चाइनीज मोबाइल कंपनियों या चाइनीज प्रोडक्ट का डिस्प्ले दुकानों में नहीं होगा। जो लोग चाइनीज मोबाइल खरीदने आएंगे उन्हें सैमसंग और नोकिया का मोबाइल दिखाया जाएगा।
केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन पल्स मीटर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोरोना को लेकर स्थिति कुछ बेहतर होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 25,000 एक्टिव केस हैं, 33,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले दिनों में टेस्टिंग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पहले 5,000 टेस्ट रोजाना होते थे और अब 18,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया परेशानी में है, ऐसे में ठगी का गोरख धंधा चालू है। देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा डोनेट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के साथ ये ठगी की गई। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास मामला दर्ज कराया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से प्लाज्मा डोनेट करने के एवज में रुपए मांगे गए थे। पेटीएम के माध्यम से 950 रुपए मंगवाए गए। आरोपी ने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। सुबह सेंसेक्स 161 अंकों की तेजी के साथ 34,892 पर खुला और सुबह 9.47 तक ये 465 अंक उछलकर 35,196 पर पहुंच गया। हालांकि बाद में बाजार की ये तेजी नहीं रह पाई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 180 अंकों की बढ़त के साथ 34,911 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 118 अंकों की तेजी के साथ 10,318.757 पर खुला, लेकिन अंत में निफ्टी 67 अंकों की बढ़त के साथ 10,311 पर बंद हुआ।